नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गांव कौराली जानपुर रोड स्थित एसएमएस कॉन्वेंट स्कूल में ग्रामीण इलाके में पहली अटल रोबोटिक टिंगरिंग लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, पूर्व विधायक राजेंद्र बिस्ला, तिगांव से विधायक राजेश नागर के भाई सुधीर नागर, स्कूल के चेयरमैन ब्रजमोहन फौजदार और भगवान सिंह फौजदार के अलावा तिगांव विधानसभा, फरीदाबाद विधानसभा और प्रथला विधानसभा के गणमान्य लोग मौजूद रहे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आने वाले समय के लिए केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार नई शिक्षा नीति पर तेजी से कार्य चला हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण इलाके में खुली इस तरह की पहली लैब में पहली कक्षा से ही बच्चों को रोबोटिक शिक्षा मिलेगी, ताकि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी देश और दुनिया में अपना नाम कर सकें। उन्होंने स्कूल प्रबंधन समिति को बधाई दी और कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा पर कार्य करना होगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को सक्षम बनाने के लिए कौशल शिक्षा पर पुरजोर दिया है। उन्होंने कहा कि आज रोजगार परक शिक्षा से देश के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है, बेरोजगारी भी दूर हो रही है। बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। SMS जो देहाती क्षेत्र में शुरुआत की है और आज उन्होंने जो लैब का जो उद्घाटन किया है, पूर्व विधायक हमारे साथ कई किसान से और मैं फौजदार को बधाई दूँ। इस तरह के स्कूल जो देहात में खुलते हैं, ऐसे बच्चों को हर क्षेत्र में बच्चे विकसित होते हैं और विकास के तरीके में योगदान देते हैं। नई टेक्निक की जो लैब बनाई है, जिस तरह से लैब ने जो जानकारी दी है, ये कभी प्लस टू में बच्चों को मिला करती थी, आज पहली से शुरुआत जो दी है, इससे आने वाले समय में बच्चों को लाभ होगा। पंत जी, लगातार अभिभावकों की मांग उठती आ रही है, बुक्स काफ़ी महंगी हो रही हैं, प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी चला रहे हैं, उसको लिए सरकार को गाइडलाइन बना रही है कि सभी बच्चे तक पढ़ाई माँ बाप पढ़ाई करा सकें। पहले भी गाइडलाइन से गाइडलाइन बनी, पर जो अभिभावक हैं वो बच्चे सभी क्या है कि जहाँ उसकी मर्जी है, सरकारी हमारे संस्कृति स्कूल है उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रदेश की तो केंद्र की सरकार ने लिखा है और सबसे लाभकारी लोगों के लाभकारी है सरकारी शिक्षा और शिक्षा चिकित्सा पर सरकार उसे ध्यान देती है। थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।